लोकसभा चुनाव 2019 का महासंग्राम, दूसरे चरण की 8 सीटों पर होगा महामुकाबला। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, मतदान केंद्रों से सीधी खबर आप तक सिर्फ लाइव टुडे पर। मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों व वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान में थाना प्रभारी मंसूरपुर संजीव कुमार को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी के वाहनों को बेच रहे हैं, जिस पर मंसूर पुलिस थाना प्रभारी संजीव कुमार ने एक पुलिस टीम गठित कर SSI मंसूरपुर बासिक सिद्दीकी व उप निरीक्षक प्रवेश कुमार क्राइम ब्रांच व हमरा पुलिस को साथ लेकर मुखबिर की बताई जगह मैकड़ी होटल के पास दबिश दी, तो पुलिस को देख भागते वाहन चोरों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिस पर मंसूरपुर पुलिस ने जान की परवाह न करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में आकिल पुत्र चांद खां, जावेद पुत्र लुकमान, गुलशन अब्बास पुत्र आमिर। पकड़े गए वाहन चोरों से बड़ी मात्रा में चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए छात्र वाहन चोरों पर पूर्व में भी आधा दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। इस गुटबर्ग पर SSP सुधीर कुमार सिंह ने मंसूरपुर पुलिस की सराहना करते हुए पीठ थपथपाई व पुलिस टीम की हौसला अफजाई भी की। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर शाहबेज अंसारी की रिपोर्ट। ये मंसूरपुर थाना और क्राइम ब्रांच ने मिलकर, दोनों ने मिलकर एक सराहनीय काम किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनका नाम आखिल है, गुलशन है और एक और अभियुक्त है, जिनके साथ बरामदगी जो हुई है वो 2 सेंट्रो कार और 9 मोटरसाइकिल और इनकी बरामदगी है। इनके पास से एक तमंचा, 2 चाकू और अन्य चीज़ों की चीज बरामदगी है। ऐसा लगता है कि ये लोग एक जगह से चोरी कर एक जगह इकट्ठा कर लेते थे मोटरसाइकिल और कार, वो अन्य लोगों को बेचते थे। हम उसको ट्रेल को भी कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जहाँ से ये लोग लेकर आते थे और जहाँ पर ये लोग बेचते थे, कई जगह पर काटने की भी सूचना मिल रही है, उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।